अरे यार, मैंने आपके कूदने के लिए थोड़ी ना रखे हैं, ये सूखने के लिए रखे हैं बेटा। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे और घर पर खूब मजे कर रहे होंगे। तो गाइज, आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं मॉर्निंग से और आज देखिए कितनी चटक वाली धूप आ रखी है। हालांकि अभी देखने में तो अच्छा लग रहा है, एकदम खुला खुला सा मौसम हो रखा है क्योंकि कल रात भर बारिश हुई है। तो अभी तो मौसम अच्छा हो रहा है लेकिन दोपहर तक बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। और अभी थोड़ी देर पहले ही एक पार्सल आया है और पार्सल की पैकेजिंग देखे तो आप समझ ही गए होंगे कि पार्सल मीशो से है। तो अभी नाश्ता नहीं बना है, आज है दिन संडे, तो आज थोड़े काम जो है वो आराम आराम से ही हो रहे हैं। और पीछे टब में देखिए अभी आम मसाला लगा के सुखाने के लिए रखा हुआ है, तो जब जो आम का पानी है ना वो पूरी तरीके से सूख जाएगा तो तब जाके हम उसमें अचार का मसाला ऐड करेंगे। अभी तो बस हमने हल्दी और नमक लगा के उसको सूखने के लिए रखा है क्योंकि नमक लगाने से आम का पानी सारा निकल जाता है और फिर उसके बाद वो सूखता है, तब जाके हम उसमें तेल के साथ मसाला मिक्स करेंगे। तो बस अभी नहा धो के कपड़े वगैरह धो लिए मैंने, तो तभी मुझे पार्सल के लिए कॉल आ गया था, तो मैंने सोचा फटाफट से एक बार पार्सल ले आती हूँ। तो गाइज अभी मैंने पार्सल नहीं खोला है और एक बार नाश्ता वगैरह बना लेते हैं, नाश्ते का सारा सुबह का सारा काम निपटा लेते हैं। अभी थैरी को भी नहलाना है। नाश्ते में आज है आलू के गुटके और रोटी दही। तो आलू के गुटके बन चुके हैं, आटा भी गूंथ दिया था, सुबह नहाने से पहले ही गूंथ दिया था। अब मैं बना लेती हूँ फटाफट से रोटी और आपको एक बार दिखाती हूँ मैं आज का व्यू और आम हमारा आम का अचार। धैरू, आपने नाश्ता कर लिया? क्या खाया नाश्ते में? नाश्ते में क्या खाया है? बी नहीं है, बी उसके बगल में है, देखो बी टू। सुनो, इसको नहला दो यार धैर्य को। यहाँ क्या सही करूँ आज के दिन? अब ये दिन भर ऐसी करेगा, मन भी नहीं कर रहा मेरा तो सही करने का। अब क्या सही करना ठहरा? वो अभी सही करेंगे हम, अभी अपने जैसा कर देगा वो सारा का सारा। वो मैं जैसा हम की फिराई करता हूँ बस। हो गया जैसा अम्मा नाश्ता पानी? बैठो भी बैठो। मैंने गरम पानी करने के लिए रखा है। बोलो चलो पापा नहलाएंगे। मैं आप खुद नहीं नहा सकते हो। अरे गरम हो, गरम पानी हो। बड़ा वाला तौलिया है, लपेट के भेजना बस। बैठो। लगी धूप? 1 2 3। मम्मा वेयर आर यू? हियर आई एम। हियर आई एम। हाउ डू यू डू? हाउ डू यू डू बोलो। हंदुली में लग गई? कौन सी वाली हंदुली में? अब खुद ही मालिश करो, फिर खुद ही ठीक करो अपना पू।
तो चलिए गाइज अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। मेरा मॉर्निंग का जितना भी काम था ना वो सब कुछ निपट चुका है। नहाना धोना धैर्य को भी, धैर्य को अपने नहला दिया है और मैंने उसे कपड़े वपड़े पहना के तैयार कर दिया है। तो ये देखिए, ये है ये पैकेज। तो इसको तो मुझसे पहले धैर्य के पापा ने ही खोल लिया था, क्योंकि उन्हें ना मुझसे ज़्यादा ही एक्साइटमेंट है ये पार्सल खोलने की। तो पार्सल में आई है आज ये कुर्ती। तो ऑरेंज कलर की कोई कुर्ती नहीं थी मेरे पास, तो इस वजह से मैंने ऑरेंज कलर मंगाया, वरना इसमें और भी बहुत सारे प्यारे प्यारे कलर हैं। तो इसका कपड़ा देख लेते हैं सबसे पहले कि कैसा है कपड़ा। कपड़ा तो ठीक है वैसे, लेकिन देखना पड़ेगा अच्छे से। कपड़ा वैसे सॉफ्ट सा है पर कॉटन नहीं है, ऐसा लग रहा है कोई सस्ता सा कपड़ा है। अंदर से इसमें लाइनिंग दी गई है ऑरेंज कलर की, और ये जो बाहर का इसका कपड़ा है ना वो थोड़ा हल्का है, मतलब उड़ने वाला कपड़ा नहीं होता जो एकदम से उड़ जाता है, तो उस टाइप का कपड़ा है। और अंदर से ये आपका लाइनिंग लगाई है इसमें, तो अस्तर लगाया है इस वजह से इसमें थोड़ा सा वेट है इस कपड़े में, वरना ये इसमें वेट नहीं होता। और फ्रंट से इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन है, ये देखो। वैसे दिखने में तो सही लग रहा है, क्योंकि आजकल इसी तरीके का प्रिंट जो है वो ट्रेंड में है। और इसमें ये ऑरेंज कलर का पैंट है, प्लाजो नहीं है, पैंट है इसमें। ये देखो जॉर्जेट का इसका ऑरेंज कलर का दुपट्टा है, तो दुपट्टा तो इसका सही है। तो बहुत ही कम चौड़ा इसका दुपट्टा है, इतना सा चौड़ा है इसका दुपट्टा, मतलब स्क्रीन में ही आ जा रही है वो, मोबाइल की स्क्रीन में ही आ जा रही है। देखो इतना कम चौड़ा है, पता नहीं पहन के कैसा लगेगा, एक बार मैं पहन के भी देख लेती हूँ इसको। अगर पसंद नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगेगा मुझ पर, तो फिर मैं इसको रिटर्न कर दूँगी। तो हो सकता है कि अच्छा लगे, तो मैं एक बार आप लोगों को इसको ट्राई करके दिखाती हूँ। ये है कुर्ती, इसका दुपट्टा ना बहुत ही कम चौड़ा है, और वैसे कलर वाइज तो इसका पसंद आ रहा है, पहन के तो सही लग रहा है वैसे ये, लेकिन सामने से देखने में ना ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो इस वजह से मैं इसको रिटर्न ही करूंगी। और लुमियाल जी को भी पसंद नहीं आ रहा है। और इसका प्राइस लगभग 700 कुछ है, मतलब 750 के आसपास का है, तो उस हिसाब से ये मुझे उतना सही नहीं लग रहा है, क्योंकि इसका कपड़ा ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। और मतलब फ़ोटोज़ में तो ये तब भी सही आ रहा होगा, ऐसे देखने में ये तब भी अच्छा लग रहा है, लेकिन वैसे सामने से देखने में ना बहुत ही लो क्वालिटी का जैसा लग रहा है ये इसका कपड़ा। तो इसको मैं फटाफट से चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि अगर रिटर्न ही करना है तो फटाफट से चेंज करने में ही सही रहेगा। तो चलिए गाइज़, आज के व्लॉग में बस इतना ही। इस व्लॉग को अभी मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो के साथ। तो अगर आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना एकदम फ्री होता है, तो खूब दबा के सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है, क्योंकि मुझे जो सही लगा है वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, अच्छा लगा होता है तो मैं आप लोगों को बता देती, क्योंकि मुझे सही लगा है, और उतना अच्छा नहीं लग रहा है तो मैंने वो भी आप लोगों को बता दिया है। तो चलिए गाइज़, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए आप अपना खूब ख्याल रखिए। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।